एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों इस चैनल पर। दोस्तों आज इस वीडियो में आप इसकी अनबॉक्सिंग देखने वाले हैं। ये एक इंडक्शन कुकटॉप है जो कि पिजन कंपनी का है, और ये इस तरफ देख लीजिए इसके कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं जो इस मशीन के अंदर हैं। दोस्तों इसके बॉक्स के पीछे की तरफ कुछ डिटेल दी हुई है जो कि इसमें बताया गया कि आप इसके ऊपर क्या क्या बना सकते हैं, सारी चीज़ें इस पर लिखी हुई हैं। दोस्तों ये 1800 वाट का इंडक्शन है और मैंने इसे कितने में ख़रीदा है आप देख सकते हैं। दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है आपके गैस के पैसे बहुत बचाने वाला है, तो चलिए मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ इसके अंदर हमारा जो पिजन का मशीन है वो कैसा है। तो दोस्तों बॉक्स खाली हो गया है और अंदर एक मिला है मैनुअल पेपर। इसमें इस मशीन के बारे में जानकारी दी हुई है, कैसे इसको चलाना है, इस्तेमाल करना है। तो चलिए दोनों तरफ लगे हुए इस फॉर्म को हटा देते हैं और उसके बाद इस बबल को भी हटाएंगे और अपना जो प्रोडक्ट है उसे पूरी तरह से बाहर निकालेंगे। तो मैं इस बबल को भी हटा देता हूं और इसका मैंने एक छोटा सा इंट्रो बनाया है दोस्तों, वो भी देख लीजिए आप कैसा बना है। तो दोस्तों इंट्रो आपने देख लिया, अब आइए इस मशीन को भी देखते हैं। ये दोस्तों मेरे घर में इस्तेमाल हो रहा है अभी, तो मैं इसकी स्विच को ऑन कर देता हूँ। ऑन करते ही दोस्तों इसमें एक बीप की आवाज़ आती है और यहाँ पे आप देख सकते हैं एलईडी ब्लिंक होती रहती है। तो दोस्तों इंडक्शन में लाइट आ चुका है, तो चलिए मैं आपको इस पर पानी गर्म करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये दोस्तों स्टील की केतली है, चाय बनाने वाली है, ये स्टील का है। आपको बिल्कुल इसे सेंटर में रखना है और उसके बाद पावर बटन दबा देंगे आप एक बार तो ये दोस्तों ऑन हो जाता है और नीचे से फ़ैन की आवाज़ आती है, इसकी फ़ैन ऑन हो जाता है। आप इसे जब भी ऑन करेंगे तो ये 1000 वाट पर स्टार्ट होता है और इडली मोड पर रहता है। ये पहला इसका मोड है इडली मोड, ये ऑटोमेटिक वहीं चला जाता है। और आप चाहें तो टाइमर सेट कर सकते हैं इसके अंदर और वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं कि इस वक्त घर में कितना वोल्टेज आ रहा है। ये बटन दबाने से दोस्तों वोल्टेज चेक होता है, देखिए मैं आपको दबा के दिखाता हूँ। फ़िलहाल 216 वोल्टेज बता रहा है ये। अगर आपको इसका टेंपरेचर कम करना हो तो आप माइनस बटन दबा सकते हैं, ये लास्ट 400 तक जाता है। और जब आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप प्लस को दबा सकते हैं, प्लस दबाने पर आपका ये मैक्सिमम 1800 वाट तक जाता है। दोस्तों ये इंडक्शन में घर में इस्तेमाल हो रहा है और सच में इस पर खाना बहुत ही जल्दी बनता है। इस पर दूध भी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और पानी भी, आप देख सकते हो उसमें उबाल आना शुरू हो गया है, बबल बन गया है पानी के अंदर। तो दोस्तों ये काफ़ी बढ़िया मशीन है, मेरे घर में इस्तेमाल होता है और इस पर लगभग काफ़ी कुछ बन जाता है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो आप देख सकते हैं मैंने पैराफिन के अंदर दूध डाल दिया है और यहाँ से बटन दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो मैंने स्विच चालू किया हुआ है पहले से, देख लीजिए ये 1000 वाट पर हमेशा पहले ऑन होता है। तो ये दोस्तों दूध उबल रहा है और इसका ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत जल्दी उबल जाता है दूध। दोस्तों आप देख सकते हैं अभी मैं चाय बना रहा हूँ। आप इस इंडक्शन पर चाय बहुत ही जल्दी बना सकते हैं, गैस के मुकाबले इस पर चाय भी बहुत जल्दी बन जाती है। आपके मेहमानों को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा चाय के लिए। और दोस्तों आप इस इंडक्शन पर रोटी भी बहुत बढ़िया तरीके से बना सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको ये जो आप देख रहे हैं ये जो रखा है तवा इस इंडक्शन के ऊपर, ये दोस्तों एक तवा है जो कि मैंने फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय की तरफ से खरीदा था, इसका वीडियो भी मैंने बना रखा है। इसमें दोस्तों आपको तीन बर्तन मिलते हैं, एक कढ़ाई मिलता है, एक फ्राई पैन और ये एक तवा मिलता है। तो ये तवा जो है दोस्तों इस पर रोटी बन रही है, आप देख सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रोटी बन जाती है, जैसे कि आप गैस पर बनाते हैं वैसे ही बनती है इसके ऊपर भी रोटी। दोस्तों घर में गैस चूल्हे के साथ साथ ये इंडक्शन मशीन भी होनी चाहिए ताकि जब आपका सिलेंडर अगर ख़त्म हो जाता है कभी तो आप इस मशीन के ज़रिए भी खाना बना सकते हैं।
दोस्तों मैं जहाँ पर रहता हूँ वो एक गांव जैसा एरिया है और यहाँ पे बिजली का बिल दोस्तों बिल्कुल फिक्स जाता है 800 रुपये हर महीने। तो दोस्तों गैस भी लगभग 1000 रुपये टच होने वाला है और 800 रुपये बिजली का बिल भी जाता है। तो यही सोचकर मैंने दोस्तों इंडक्शन कुकर मंगा लिया, क्योंकि जब 800 रुपये देना ही है तो गैस को जितना कम हो सके इस्तेमाल करेंगे और इसी इंडक्शन पर दोस्तों रोटी सब्जी सब बन जाता है। अगर आप भी दोस्तों ऐसी जगह पर रहते हैं तो आप भी इंडक्शन मंगा लीजिए और गैस के बदले इस पर खाना बनाइए, जल्दी बनेगा और आपके गैस के पैसे भी बचेंगे।